क्या हो गया इसमें? आवाज ही ना आ रही यार। प्लेयर तैयार हो गया, साला कूदने जा रहा है। टिक लगा दिया पोचंकी में। अरे पबजी बैन है गो। कहाँ है गो? देखो ना जी, 118 और है बैन है गए संग में। अरे यार जो पबजी बैन है वो तो क्या करेंगे भाई। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो जे उस। जे भैया परेशान है रहे, पबजी खेल वे ना, पबजी बैन है वो। भाई बात होता जी, पबजी बैन भाव जे जे उस में बैन है वो। जाम पता ना चौंक लग गई है यार। हटा। बेरोजगारों का सुखचैन खो गया, देखो यारो पबजी बैन हो गया। वेलकम बैक अगेन गाइस, मैं मंजीत स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल मिस्टर जहरीला में। आज की वीडियो वाकई में बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इंडिया में पबजी प्लेयर बैटल अननोन ग्राउंड जी हाँ बैन हो चुका है। साथ ही साथ 118 अन्य चाइनीज ऐप भी बैन किए गए हैं। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो गाइस, पबजी बैन हो ही चुका है, इसके लिए मैंने आज बुलाया है, टेक्निकल चैनल है गुरुदेव टेक्नोलॉजी नाम से, तो वो भी आपको कुछ इसके बारे में बताएंगे जो कि अभी वीडियो की स्टार्टिंग में थे। आ जाइए। तो कुछ वजह बताइए, पबजी आखिर क्यों बैन हुआ है? पबजी बैन बहुत ही ज़्यादा कारण हो रहे हैं इसके। एक पंजाब में एक लड़का था, उसने 18 लाख 17 लाख ऐसी इन्वेस्टमेंट कर दिया उसने पबजी में। उसके फादर ने बहुत ज़्यादा मेहनत से कमाई करी थी, तो पूरी की पूरी उसने इनकम जो है पूरी उसने पबजी में ही वेस्ट कर दी। मेरे हिसाब से सारा डेटा भी चोरी हो रहा है अपना, सिक्योरिटी। हाँ, डेटा तो हो ही रहा है, डेटा में तो कोई वो ही नहीं है सर जितने भी है इसके साथ में, तभी तो 118 ऐप और बैन करे जा रहे हैं ना। अच्छा, और सिक्योरिटी का भी काफ़ी देखा जा रहा है, तो सैनिटाइज कर लो जरा, कोरोना चल रहा है संग के संग। ए उधर करो यार, पबजी बैन हुआ है, दिमाग अभी से ख़राब होने लग गया है लोगों को। दूसरा ऐप कोई उसके टक्कर का बताइए, पबजी की जगह जो। वैसे तो कॉल ऑफ ड्यूटी है। कॉल ऑफ ड्यूटी, हाँ सुना सुना है कुछ, लेकिन और शायद गरीना फ्री फायर भी शायद होने वाला है। टक्कर दे देगा क्या वो पबजी को? नहीं नहीं नहीं, वो पबजी के टक्कर का तो है ही नहीं, वो तो उसका आधा भी नहीं है। पबजी के टक्कर का कुछ आएगा मार्केट में? हाँ आने की संभावना है, अब इंडिया में भी काफ़ी अच्छे गेमर्स हैं। बाकी हमारे टॉप गेमर्स हैं उनका क्या होगा? किसका? जैसे डायनमो। हाँ इन लोगों का क्या होगा? इनका कुछ नहीं, अब इनको कोई नहीं पूछ रहा। देखो अब अगर ये GTA 5 वगैरह ये ऐसे गेम है खेलने वाले। अच्छा GTA 5 कैसा, बढ़िया है? हाँ बढ़िया है, उसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर्स भी हैं। अच्छा GTA 5 आपका ये मेरे मोबाइल में चल जाएगा? अरे नहीं, मोबाइल में कहाँ से चल जाएगा, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा हाई प्रोसेसर चाहिए, और वैसे वो कंप्यूटर का गेम है। अच्छा PC गेम है, मोबाइल के लिए। मैं आपको बता दूँ, जैसे कि अभी आपने पूछा ना कि मोबाइल में चल जाए, तो इसी तरह ये पहले पबजी था ना, वो भी एक कंप्यूटर के लिए ये गेम बना था। तो जो पबजी गेम बना था तो उसमें मैं क्या बोलूँ। अच्छा पबजी क्या अपना साउथ कोरिया का है, पर वो चाइना में कैसे आ रहा है, उसे बैन किया जा रहा है? वो साउथ कोरिया ने बनाया था कंप्यूटर के लिए, तो उसी गेम को कंप्यूटर वाले को लॉन्च किया गया था चाइना में। तो चाइना में एक कंपनी है टेंसेंट गेम नाम, टेंसेंट। हाँ हम लोग पबजी खेलते हैं तो शुरू में आता है।
हाँ, तो जब भी पबजी चालू करते हो तो उसमें टेंसेंट गेम लिखा हुआ आ जाता है, तो वो टेंसेंट गेम वालों ने दिमाग लगा के उसी गेम को मोबाइल के लिए भी बना दिया, एक एपी के तो ये पबजी जो मोबाइल वाला है वो चाइना ने बनाया, चाइना ने डेवलप किया उसको, तब तो इसे बैन होना चाहिए। मैं तो इसे सपोर्ट करता हूँ। गाइस, आप लोग का क्या कहना है पबजी बैन को लेकर, तो उसे कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी एक और वीडियो भी पबजी से रिलेटेड इनके गुरुदेव टेक्नोलॉजी में है, तो उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी। हाँ, और आई बटन में भी मिल जाएगी ऊपर। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।